जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैंने देखा जब अभिषेक चल रहा था तो पंडित जी की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही थी तुम। और ये घर का भेदी है कौन? हर वक्त जो है वो लक क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ, नसीब जो है वो मेरा साथ नहीं देगा। सांप के काटने से, गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊँ तब क्या। आइंदा से ऐसा दोबारा मत बोलिएगा। बोलो ना फिर तुम। अगर हम आपको बताएंगे तो गुस्सा मत होइएगा। समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको बताए कैसे। बातों से शुरुआत करते, कई परिवार में ना फिर से मन मुटाव ना आ जाए। गुनगुन की वजह से वैसे ही पूरा परिवार अभी एक हुआ है, कहीं फिर से अलग ना हो जाए। हुआ क्या? मोहन जी, आपकी तो शादी होने वाली है ना, तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो, बताओ मुझे। इसे हृदय के पास था जी। मोहन जी, इसी घर में कोई है जो हृदय जी के साथ मिला हुआ है, जो हृदय जी को ये सारी जानकारियां दे रहा है, इसलिए तो हम घर वापस आए। और इसलिए तो हमने पुजारी जी को भी बुलाया था, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि उन्होंने उस लड़की को देखा था जो हृदय जी से मिलने आया करती थी, और हमें लगा था कि वो पहचान जाएंगे। पर वैसा हुआ नहीं ना। हो सकता है उसने उसे रिश्वत दी हो या फिर डराया धमकाया हो। सही कहा मोहन तुमने, हो ना हो ये जरूर उस दामिनी का काम हो सकता है। पर हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस घर का ही कोई सदस्य हो सकता है ऐसा। कई लोगों का सच जाना ना रहा था, इतना आसान नहीं होता। कई बार बाहर वाले लोग अपने हो जाते हैं, और जो अपने होते हैं ना वो आपके सबसे बड़े दुश्मन। कुछ चूहे जो होते हैं ना वो घर की दीवारों में छुपते हैं, और कुछ रिश्तों की आड़ में। लेकिन इन चूहों को बाहर निकालना मुझे अच्छी तरह आता है। पर कैसे मोहन जी, हमारी तो तरकीब फेल हो गई है। हाँ, फेल तो होना ही था ना, अकेली निकली थी हीरो बनने के लिए। राधा मोहन कब हिट होते? जब साथ होते हैं तभी हिट होते हैं, टीम बनकर। बढ़िया ही, एक तरकीब है मेरे पास। इस इंसान पर पहुंचने की। क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।